कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। लालची चाट वाला। जनकपुर नाम के गांव में रमेश नाम का एक आदमी चना चाट बेचा करता था। उसके यहाँ काम करने के लिए एक भोला नाम का नौकर था। रमेश अपने ठेले पर चना चाट बनाकर सुबह से लेकर शाम तक बेचा करता था। रमेश के चना चाट में एक अलग ही स्वाद था, जिसके कारण सभी लोग उसकी चना चाट खाने बड़े चाव से आया करते थे। रमेश का जहाँ ठेला था उसी के सामने रघु नाम के आदमी का बहुत बड़ा होटल था। रमेश का चना चाट का धंधा अच्छा चलने लगा था, तब से रघु का धंधा जैसे बैठ ही गया था। एक दिन रघु अपने नौकर शिवा से, अरे शिवा, ये रमेश चना चाट बड़ा ही फेमस हो रहा है, इसकी वजह से हमारा धंधा ही नहीं हो रहा। हाँ मालिक, आप सही कह रहे हो, उस रमेश की वजह से हमारे होटल में कोई नहीं आता, हमारे सारे ग्राहक उसी के पीछे खींचे चले जाते हैं। शिवा सुनो, उसके चना चाट की क्या खासियत है ये जरा पता करके आओ। तभी शिवा रमेश के ठेले पर चला जाता है और शिवा रमेश से कहता है, रमेश भाई मुझे एक प्लेट चना चाट देना जरा। हाँ अभी देता हूँ। ऐसा कहकर रमेश चना चाट बनाने लगता है। तभी शिवा ध्यान से देखता है कि रमेश कैसे चना चाट बना रहा है। रमेश चने पर कुछ मसाले डालता है, उन मसालों की खुशबू बहुत अच्छी आती है। वो खुशबू सुन शिवा रमेश से, अरे रमेश भाई इन मसालों में क्या मिलाया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तुम्हारे मसालों की। शिवा वो हमारा सीक्रेट चना मसाला है, इसलिए इतनी खुशबू आ रही है उसकी। ये सीक्रेट मसाला कैसे बनाते हैं भाई? अरे शिवा वो हमारे पुरखों से चला आ रहा है, वो हम किसी को नहीं बताते, इससे चना चाट का स्वाद बढ़ता है। ठीक है मत बताओ भाई, ये लो शिवा तुम्हारी चना चाट, रमेश भाई ये लो तुम्हारे चाट के पैसे। ऐसा कहकर शिवा चना चाट के पैसे देकर तुरंत अपने मालिक के पास चला जाता है और उसे सारी बात बता देता है। तभी रघु मन ही मन कुछ सोच कर शिवा से कहता है, शिवा तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, रमेश के पास एक आदमी है जिसका नाम है भोला, वो उसका नौकर है, उसे शाम को यहाँ लेकर आओ, बाद में उससे मसाला कैसे बनाते हैं ये निकलवाता हूँ। अभी जाता हूँ भैया। शिवा भोला के पास चला जाता है और उससे कहता है, भोला रघु भैया को तुमसे कुछ काम है, जरा शाम को घर जाते समय मिलते हुए जाना। जी क्या काम है शिवा भैया, रघु भैया मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? तुम्हें मिलने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है। ऐसा कहकर शिवा वहां से चला जाता है। तभी शिवा होटल आकर सारी बात रघु को बताता है। रघु उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और शाम होने का इंतजार करता है। शाम होने पर भोला उन्हें मिलने के लिए उनके होटल में चला जाता है। भोला जब होटल में आता है तभी शिवा भोला से, आओ भोला यहाँ बैठो। जी क्या काम है शिवा भैया, रघु भैया मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? तभी रघु अंदर से बाहर आ जाता है और भोला से, अरे कैसे हो भोला? हम ठीक है भैया, आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या मुझसे? हाँ भोला मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ भैया आप पूछिए, क्या पूछना है आपको? तभी रघु उसके हाथ में पैसों का बंडल रख देता है और उससे पूछता है, भोला ये पैसे तुम्हारे लिए, अब मुझे ये बताओ रमेश चाट में जो मसाला इस्तेमाल करता है वो मसाला कैसे बनाते हैं? अरे भैया मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। याद करके बताओ तुम्हें याद आ जाएगा। भोला रघु की बातें सुन मन ही मन सोचने लगता है, ये रघु भैया सिर्फ चना चाट मसाला बताने के इतने पैसे दे रहा है, अगर मैंने कहा कि मुझे नहीं पता तो ये सारे पैसे ले लेंगे, इससे अच्छे से कुछ भी बताकर अपना काम करवा लेता हूँ। उसे सोच में डूबा देख रघु भोला को आवाज देता है, भोला कहाँ गहरे सोच में डूब गए? हाँ मुझे पता है चना चाट बनाने का मसाला, मगर ये बात रमेश भैया को पता चली तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों पे विश्वास रखो। ठीक है। ऐसा कहकर भोला चना चाट मसाला बनाने के लिए साहित्य बताता है। रघु अपनी डायरी लेकर उसमें लिखने बैठ जाता है, 1 किलो चना दाल, 1 किलो जीरा, 1 किलो मिर्च, नमक, धने और थोड़ा खड़ा मसाला भी लेकर आना। रघु सब साहित्य लिख लेता है और रघु भोला से, अरे भोला इसे बनाना कैसे है,
मैं तुम्हें सारा सामान ला कर दूंगा, तुम ये मसाला बना कर देना मुझे। रघु भैया मैं कल सुबह आता हूँ, तुम ये सामान ला कर रखना। ठीक है। अब भोला पैसे लेकर घर चला जाता है और अगले दिन रघु के दुकान पर जल्दी आ जाता है। रघु उसका इंतजार ही कर रहा था। आओ भोला जल्दी मसाला बनाते हैं। हाँ चलिए। ऐसा कहकर भोला रघु के साथ उसके रसोई में चला जाता है। वहाँ जाकर एक बड़े बर्तन में सारे मसाले डालकर भूनने लगता है और भूनने के बाद उन्हें एक प्लेट में निकालकर उसको मिक्सर पे पीस लेता है। ये सब रघु और शिवा देख रहे थे। तभी रघु भोला से, अरे भोला इतनी जल्दी बन गया मसाला? हाँ बन गया मसाला, यही मसाला होता है चना चाट में। अब इसे अच्छे डिब्बे में भर के रखो, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर भोला वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर भोला खुद से, हे भगवान मैंने तो उनको कौन सा मसाला बना कर दिया क्या पता, चलो मैं अपने काम पर चला जाता हूँ। ऐसा कहकर भोला ठेले पर काम करने के लिए चला जाता है। इधर रघु और शिवा बहुत खुश होते हैं कि उनको वो सीक्रेट मसाला मिल गया। अब अगले दिन रघु अपना ठेला ठीक रमेश के ठेले के सामने लगा देता है। वो देख रमेश थोड़ा चौंक जाता है मगर फिर से अपना काम करने में व्यस्त हो जाता है। अब रघु और शिवा ठेले पर खड़े होकर ग्राहकों से, अरे भाइयों आओ आओ हमारे हाथ का स्वादिष्ट चना मसाला खाओ, एक बार खाया तो खाते ही रह जाओगे। शिवा की बातें सुन कुछ लोग उसके ठेले पर चले जाते हैं। शिवा उनको चना चाट बनाकर देता है। चना चाट को खाते ही लोग थूथू करने लगते हैं। उसका कुछ अलग ही स्वाद था। एक आदमी रघु से, अरे रघु क्या मिलाया है इस चना चाट में, बहुत कड़वा है भाई, ऐसा कभी होता है क्या चना चाट? अरे नहीं भाई दूसरा लेकर देखो ये स्वादिष्ट है। मुझे नहीं खाना तुम्हारा ये खराब चना चाट, तुम ही खाओ। वहाँ खड़े तीन आदमी चना चाट कड़वा लगने के कारण उन्होंने भी प्लेट कचरे के डिब्बे में डाल दी और रघु से, अरे भाई ये चना चाट कितना बकवास है, कितना कड़वा है, करेला डाला है क्या करेला इसमें, इससे मेरे पेट में तो दर्द हो रहा है। नहीं नहीं मेरा चना चाट इतना खराब नहीं हो सकता, मैंने तो अच्छा बनाया है। तभी उसकी नजर भोला पर जाती है, वो भोला को पकड़कर मारने लगता है। भोला इधर आ, तूने मुझे कैसा मसाला बना कर दिया? मैंने तो आपको अच्छा मसाला बना के दिया था, आपने बनाते समय अच्छा नहीं बनाया होगा। ये सब बातें सुन रमेश वहाँ आ जाता है और रघु से, रघु तुम भोला पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो, क्या हुआ है? इस भोला के बच्चे ने मेरा चना चाट मसाला खराब बना दिया है, इसकी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया मालिक। तुम्हें किसने बताया कि भोला को मेरा चना चाट का मसाला पता है? उसे कुछ भी नहीं पता। क्या इस भोला को चना मसाला बनाना नहीं आता? रघु उसे कुछ भी नहीं पता, वो मसाला मैं खुद घर पर बनाता हूँ और इधर लेकर आता हूँ। वहाँ खड़े लोगों ने रघु के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। तभी वहाँ पुलिस आते हैं। पुलिस को देख रघु, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट है, तुम्हारे चना चाट की वजह से लोगों के पेट खराब हुए है, खराब चना चाट बेचते हो, अब चलो जेल में। ऐसा सुनते ही रघु बहुत डर जाता है और इंस्पेक्टर साहब से, इंस्पेक्टर साहब मुझे माफ कर दीजिए मुझसे गलती हो गई, अब से मैं चना चाट नहीं बेचूंगा, ये सब पुलिस स्टेशन में जाकर बताना, अब चलो। पुलिस उनको लेकर वहाँ से चला जाता है और रमेश फिर से अपने ठेले पर काम करने लग जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, लालच की वजह से हमेशा नुकसान ही होता है, लालच बुरी बला होती है। सुंदरपुर नाम के गांव में एक राम नाम का किसान अपनी पत्नी गीता और दोनों बच्चों के साथ रहा करता था। उसके दोनों भी बच्चे बहुत ही होशियार थे। एक का नाम था अर्जुन और दूसरे का नाम था शिवानी। अर्जुन का क्लास में हमेशा पहला नंबर आया करता था, इसीलिए उसके माता पिता बहुत खुश थे। शिवानी भी अच्छे गुणों से हमेशा पास हुआ करती थी। अब अर्जुन की 12वीं की परीक्षा हुई थी। तभी अर्जुन अपने पिता से, पिताजी मैं 12वीं के बाद डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहता हूँ। बेटे डॉक्टर बनने के लिए बहुत फीस लगती है, हम इतने पैसे कहाँ से जमा कर पाएंगे? पिताजी मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं, सभी को नहीं मिलते। तुम्हारी बात तो सही है बेटे, मगर हम इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? पिताजी अगर आप हमारे खेती पर थोड़ा कर्जा ले लेते तो मेरा काम हो जाता, वैसे भी जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो आपको इन सब की क्या जरूरत पड़ेगी? राम ये बात सुन दुविधा में पड़ जाता है और खेती पर साहूकार से कर्ज ले लेता है।
अब उन पैसों से राम अर्जुन की एडमिशन करवा देता है। अर्जुन पढ़ाई करने में व्यस्त हो जाता है। जमीन पर कर्जा लेने के कारण राम को अब रातों को नींद नहीं आया करती थी। वो हमेशा सोच में डूबा रहता था। एक दिन गीता राम से, अजी अब ऐसा कब तक सोचते रहोगे? हमारा बेटा डॉक्टर बन जाने के बाद सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। गीता तुम्हारी बात सही है, मगर अर्जुन ने खेती का कर्जा नहीं चुकाया तो हम क्या करेंगे? हमारी बेटी शिवानी का क्या होगा? आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। आप खामखा चिंता कर रहे हैं। ये सब बातें दरवाजे के पीछे छुपी शिवानी सुन लेती है। शिवानी की पढ़ाई और अर्जुन की पढ़ाई में राम को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं और अर्जुन की पढ़ाई पूरी हो जाती है। अब वो डॉक्टर बन जाता है। एक दिन राम अर्जुन से, बेटा अर्जुन अब तुम डॉक्टर बन गए हो। मैं सोच रहा था खेती के ऊपर जो कर्जा लिया था उसे हम चुका देते हैं। पिताजी आप सही कह रहे हो, जमीन का कर्जा चुका देंगे, मगर मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए क्योंकि मैं मेरा अस्पताल बनवाना चाहता हूँ। ठीक है बेटे, अब मैं फोन रखता हूँ। जी पिताजी। ऐसा कहकर अर्जुन फोन रख देता है और राम गहरी सोच में डूब जाता है। ये सब बातें शिवानी सुन लेती है, इसीलिए वो मन ही मन कुछ काम करने का ठान लेती है। शिवानी अगले दिन घर से बाहर निकल जाती है, तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ जाती है। वो बूढ़ी औरत के पास जाकर देखती है तो उस बूढ़ी औरत को दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर भी उसके कपड़े सीने की चाह देखकर शिवानी उस बूढ़ी औरत से, दादी लाओ मैं सुई में धागा लगा देती हूँ। धन्यवाद बेटी। शिवानी यहाँ कैसे आना हुआ? दादी मैं यहाँ से जा रही थी, आपको देखा तो आपकी मदद करने चली आई। क्या हुआ है शिवानी, बड़ी चिंता में दिखाई दे रही हो। दादी मुझे खुद से कुछ काम करना है और अपने बाबा की मदद करनी है। बूढ़ी औरत थोड़ा सोचकर शिवानी से कहती है, शिवानी क्या तुम्हें सिलाई आती है? नहीं दादी मुझे सिलाई नहीं आती और मेरे पास सिलाई मशीन भी तो नहीं है। अरे शिवानी इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें मैं सिलाई सिखा दूंगी और ये मेरी सिलाई मशीन तुम लेकर जाओ, अब मुझसे पहले जैसा काम भी नहीं होता। मगर मेरे पास आपको देने के लिए पैसे भी नहीं है। शिवानी तुम जब कमाने लगोगी ना तो मुझे मेरे पैसे लाकर देना। अब तुम मेरे पास रोज सिलाई सीखने आना, मैं तुम्हें सिलाई सिखा दूंगी। जी दादी। ऐसा कहकर शिवानी अपने घर चली जाती है। बूढ़ी औरत मन में सोचती है, मैंने शिवानी को मशीन देने का सही निर्णय लिया है। उसे तो ये पता भी नहीं कि ये मशीन जादुई है। उसे जल्द ही पता चल जाएगा तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। शिवानी घर आकर अपना काम करने लगती है। अब अगले दिन शिवानी बूढ़ी दादी के यहाँ सिलाई का काम सीखने चली जाती है। दादी उसे सब काम निपुणता से सिखाती है। उसकी काम करने की चाह देख बूढ़ी दादी खुश हो जाती है। 8 दिनों बाद शिवानी सिलाई मशीन लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर शिवानी भी ड्रेस सिलाती है, तभी उसके पास उसकी पड़ोसी कमला आ जाती है। कमला गीता से, अरे गीता तुम्हारी शिवानी कपड़े सिलाती है क्या? हाँ उसने अभी अभी सिलाई करना सीखा है, वो बहुत अच्छे कपड़े सिलाती है। मुझे भी एक ड्रेस सिलाना था मेरी बेटी के लिए, क्या शिवानी सिला देगी? हाँ देगी ना, आप उसके नाप का एक ड्रेस शिवानी को दे दीजिए, शिवानी सिलवा देगी। ठीक है। ऐसा कहकर कमला अपने घर चली जाती है। वो अपने बच्ची का ड्रेस लेकर शिवानी को दे देती है और शिवानी से, इस कपड़े का बहुत अच्छा ड्रेस बनाना, मेरी बेटी परी लगनी चाहिए। जी। ऐसा कहकर शिवानी उस ड्रेस को काटकर अच्छी तरह से ड्रेस बनाती है। वो ड्रेस इतना अच्छा बनता है कि उसकी सहेलियां भी उससे ड्रेस सिलाने के लिए आ जाती है। अब कुछ ही दिनों में शिवानी बहुत अच्छे से ड्रेस सिलने लगी थी। अब उसके पास थोड़े बहुत पैसे जमा हो जाते हैं। उन पैसों को लेकर शिवानी बूढ़ी औरत के पास चली जाती है। दादी आप कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ शिवानी, कमरे में। शिवानी कमरे में चली जाती है और बूढ़ी दादी को कुछ पैसे देकर कहती है, दादी ये मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, ये लो सिलाई मशीन के पैसे, बाकी के बाद में दे दूंगी। शिवानी मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे अपने पास ही रखो और मैं तुम्हें एक राज की बात बताने वाली हूँ।
वो ध्यान से सुनना। क्या बात है दादी? शिवानी, मैंने तुम्हें जो मशीन दी है वो जादुई मशीन है। तुम उसके सामने रात को कपड़े काट कर रख दो, सुबह सब कपड़े सिलवा के तैयार हो जाएंगे। मगर अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ दादी। क्योंकि अब तुम काम में निपुण हो गई हो, कमाने के काबिल बन गई हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बात अब बताई है। आज से सिलाई मशीन तुम्हारी सहायता करेगी। धन्यवाद दादी, आपने मेरी बहुत मदद की है। जाओ और अपना काम करो। जी दादी। ऐसा कहकर शिवानी अपने घर चली जाती है। घर जाकर रात के समय शिवानी उस मशीन के सामने एक कपड़ा रख देती है और सोने चली जाती है। सुबह जब शिवानी उठती है तो उस कपड़े का ड्रेस सिला के रखा हुआ था। अब शिवानी ऐसे ही बहुत सारे ड्रेस सिलाया करती थी। उसके सिलाए हुए ड्रेस सभी को बहुत पसंद आया करते थे। अब शिवानी की ड्रेस देख एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल उसे बुला लेती है और शिवानी से, शिवानी मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे ड्रेस सिलाती हो। जी मैडम, जिसको जैसे ड्रेस चाहिए मैं वैसे ही सिला के दे देती हूँ। शिवानी, इस साल स्कूल के बच्चों की ड्रेस की ऑर्डर मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, क्या तुम कर पाओगी? हाँ मैडम, मैं कर लूँगी, आप सिर्फ मुझे कपड़ा दे देना। ठीक है, कपड़ा तुम्हें कल मिल जाएगा और काम हो जाने के बाद पैसे मिलेंगे। ठीक है मैडम। शिवानी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शिवानी को स्कूल से ढेर सारे सिलने के लिए कपड़े मिलते हैं। शिवानी उन कपड़ों को काटने लगती है। कुछ समय बाद शिवानी बहुत सारे कपड़े काटकर सोने चली जाती है। सुबह जब शिवानी उठती है तो उसे सारे कपड़े सिले हुए दिखते हैं। उसके सारे कपड़े 5 दिन में सिला कर तैयार हो जाते हैं। तभी शिवानी वो कपड़े स्कूल में दे आती है। प्रिंसिपल मैडम उसे अपने कैबिन में बुलाकर, शिवानी तुमने इतने सारे कपड़े इतने कम समय में सिला के दिए, ये लो तुम्हारे सिलाई के पैसे। धन्यवाद मैडम। शिवानी पैसे लेकर घर चली जाती है और घर आकर अपने पिताजी को वो पैसे देती है। शिवानी अपने पिताजी से, पिताजी ये लीजिए पैसे, स्कूल के कपड़े सिलवा के मिले हैं, इससे थोड़ा कर्जा चुका दीजिए। शिवानी बेटा, मैं तुम्हारे ये पैसे नहीं ले सकता, मैं मेहनत करके कर्जा चुका दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। नहीं पिताजी, ये पैसे आप ले लीजिए और सावकार को दे आइए। मगर शिवानी, आप ये पैसे ले रहे हैं। ऐसा कहकर शिवानी उनके हाथ पर पैसे थमाकर वहां से चली जाती है। अब शिवानी अपने पिताजी का कर्जा चुका देती है और कुछ समय बाद अपना घर अच्छी तरह से सजाती है। उसके घर में सारी वस्तुएं थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। ये सब देख सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक दिन अर्जुन घर आ जाता है। उसका घर देखकर वो खुद हक्का बक्का रह जाता है। उसका घर अब एक हवेली जैसा दिखाई देता है। तभी अर्जुन अपने पिताजी से, पिताजी क्या ये हमारा घर है? हाँ अर्जुन, ये हमारा घर है। इसे शिवानी ने अपनी मेहनत से इतना बड़ा किया है। क्या, शिवानी ने? हाँ अर्जुन, तुमने तो कठिन समय पर मुंह फेर लिया था, अब आए हो तुम, अब याद आई है तुम्हें हमारी। ये सब सुन अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पिताजी की माफी मांगी। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है अर्जुन, उठो, जो हुआ सो हुआ, अब आगे से ऐसा मत करना। ऐसा कहकर अर्जुन राम के गले लग जाता है और अपनी माँ की भी माफी मांगता है। इस तरह से जादुई सिलाई मशीन ने शिवानी की और उसके पिताजी की सहायता की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा मेहनत करनी चाहिए, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगर काम करने की चाह हो तो रास्ता अपने आप दिखाई देता है।